फ्रेंड्स, इफ यू नोटिस दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि आप जान रहे हैं, आप लोग का इंतजार था कि सरायकेला से ग्रुप डी का रिजल्ट कहां से और कैसे देखेंगी। तो वहां पर देखें, दफ्तरी, ड्राइवर, माली, ऐसे पद के लिए आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू आपने दे दिया था, लेकिन आपको रिजल्ट का इंतज़ार है। तो वो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, तो आपको हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद अपना फीडबैक को देंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, सरायकेला के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, सलाह के संदर्भ के साथ परिणाम, चपरासी, ड्राइवर, दफ्तरी और ट्रेजरी मैनेजर पद के लिए 2023 की संख्या, यानी यहाँ पर आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट शो होकर आ जाएगा। पर यहाँ से देखें, ये देखें सलाह के संदर्भ में आपकी चपरासी के पद पर ये जो रिजल्ट दी हुई है, तो यहाँ हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये देख रहे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है और ये ऑफिशियल है, अच्छी तरह से देखेंगे। और यहाँ पर देखें, ग्रुप सी डी सभी के लिए यहाँ पर दी हुई है, तो कैसे कैसे कैटेगरी के यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ से यदि बात करें तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे तो वैसे कैंडिडेट का भी आपका नाम दिया रहेगा, जो कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और आप अपना मिला सकते हैं। और यह यहाँ रहा आपका लिस्ट, को जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर दिया है, ये रहा आपका सीरियल नंबर, ये अप्लीकेशन नंबर और ये आपका रहा रोल नंबर। तो जैसे ही यहाँ रोल नंबर अपना मिलाएंगे, ये आपका नाम है, ये फादर्स नेम है और यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और ये देखिए आपका नाम इसमें है कि नहीं है, और ये सेलेक्टेड क्या है, नेम ऑफ द जस्टिस सरायकेला खरसावा, और ये नेम ऑफ द प्यून कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है जिसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी जनरल कैटेगरी से हैं। और इसकी बात करें, फादर्स नेम यहाँ पर दिया हुआ है और ये कैटेगरी देख रहे हैं, और इधर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी आप देख रहे हैं। उसके बात करें तो ये आपका देखिए वेटिंग लिस्ट में, ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका अप्लीकेशन नंबर है, ये सभी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम है। और ये सब बात करें, नेम ऑफ द प्यून, ये एसटी कैटेगरी से हैं और इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया है। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखें तो वेटिंग लिस्ट में नाम किसका है, ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये सबका एसटी कैंडिडेट हैं जिसको वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। EWS कैंडिडेट के लिए ये देख रहे हैं लिस्ट आपके पास है, सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है EWS कैंडिडेट के लिए, और ये प्यून में है। और यहाँ पर देखें, ये आपका नाम है, ये रोल नंबर है, तो यहाँ पर आप अपना नाम को मिला सकते हैं। और उसकी बात करें, नीचे में SC का है, ये प्यून के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और यहाँ से नीचे में देखें तो यहाँ भी आपका ये देखिए, ये आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम है और ये आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, ये SC कैंडिडेट हैं और ये प्यून के लिए है। और ये देखें, ये BC है और ये प्यून के लिए है, तो इस कैंडिडेट का सेलेक्टेड कर दिया है और ये दोनों कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में नाम रखा गया है। तो इस तरह से आप अपना नाम को मिला सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो ट्रेजरी मैसेंजर के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट ये हैं और ये जनरल कैटेगरी से हैं। और एक दो कैंडिडेट का नाम देखते हैं वेटिंग लिस्ट में है। और यहाँ से भी बात करें तो यहाँ भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पर है, ये ड्राइवर के पद पर है और ये जनरल से हैं। तो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ये आपका वेटिंग कैंडिडेट है, इसको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो 30 दिन के बाद हो सकता है इसका कन्फर्म भी हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ये ST कैंडिडेट यहाँ पर देखें तो ये आपका ड्राइवर से है, सेलेक्टेड कैंडिडेट है और इनको यहाँ वेटिंग लिस्ट में नाम रखा गया है। इस तरह से आप अपना नाम को यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं। ये आपका दफ्तरी है और ये जनरल कैटेगरी से हैं, ऐसे कैंडिडेट जिसका सेलेक्टेड किया गया है नंबर 1 से। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी देखें और स्टेटस इसका क्या है, ये वेटिंग लिस्ट में इसको रखा गया है। और ये कैटेगरी की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं ये जनरल कैटेगरी से दिया हुआ है। अब ST कैटेगरी से दफ्तरी पोस्ट के लिए ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्टेड किया गया है और ये कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में, ये दफ्तरी से हैं, ये भी दफ्तरी से हैं, लेकिन इसको सेलेक्ट कर लिया गया और ये इनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, ये ST कैंडिडेट हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी आप किसी भी जिला से अगर आप रिजल्ट नहीं देख पाते हैं तो वीडियो के पाते ही कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।